इताअत की हालत हो या मासियत की हालत हो या कोई मुबाह और जायज हालत हो, इंसान या तो मुसीबत में बैठा होगा और या ये इंसान राहत के अंदर बैठा होगा। और जब राहत के अंदर बैठा होगा ये हालत शुक्र का मुतालबा करती है, जिस रब्बे करीम ने यह हालत तुझे तारी कर रखी है, तुझे राहत और सुकून अता कर रखा है, तो उसका शुक्र कर। अगर इंसान जब वो उस सूरत में मुसीबत की हालत में है तो उस वक्त सब्र का मुतालबा होता है कि तू सब्र कर। तो गया कि राहत में शुक्र का मुतालबा है और मुसीबत और परेशानी में गया कि सब्र का मुतालबा है।